खबर राजस्थान के डिडवाना से है, जहां विधायक चेतन डूठी के द्वारा एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। प्रेस मीट में विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ फसल 2022 के मुआवजे को लेकर प्रेस मीट का आयोजन हुआ, जिसमें जानकारी देते हुए विधायक ने बताया कि सरकार 2022 में हुई खरीफ फसल खराब को लेकर मुआवजा दे रही है, जिसको जिसका बीमा या बीमा कंपनी से कोई सरोकार नहीं है। सरकार रिकॉर्ड तोड़ मुआवजा दे रही है। मुआवजा राशि है 1,17,06,00,000 रुपए, जिसमें डिडवाना क्षेत्र के 1.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। विधायक ने किसानों के दस्तावेज अपडेट करने की बात कही है। मुआवजे के अंदर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि बीमा या जो प्रीमियम जमा किया जाता है उससे कोई सरोकार नहीं है। ये सरकार उन किसानों को दे रही है जिन किसानों को पिछले खरीफ 2022 की फसल, जिसको हम यहाँ लोकल भाषा में चौमासे की फसल बोलते हैं, उसमें जो नुकसान हुआ वो है। और मैं ये बात आप लोगों के साथ इसलिए बांटना चाहता हूँ